हाय हेलो नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, मैं सबसे पहले एक चीज़ के लिए सॉरी बोल देती हूँ, मैं इस ट्यूसडे को वीडियो नहीं डाल पाई। मेरा कंटेंट रेडी था, सब कुछ रेडी था, पर मैं शूट नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज मेरा फोन खराब हो गया था, मेरे हाथ से गलती से गिर गया था, इसलिए फिर मैं नहीं डाल पाई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस ट्यूसडे को मैं पक्के से वीडियो डालूंगी। आई होप यू गाइज विल एंजॉय द वीडियो। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं कुक करने वाली हूँ, कुक विद आयुषी। आई नो जो लोग मुझे जानते हैं वो बोलेंगे कि मैं अच्छी कुक नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ अच्छा नहीं बना पाती हूँ, मैं कई बार बहुत ज़्यादा मैस कर देती हूँ चीज़ों को। बट मैंने मतलब पिछले एक दो साल से थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट करा और मैं थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा बना भी लेती हूँ। ये चीज़ पापा बोल देंगे, पापा हैं नहीं तो अब पापा बोल नहीं सकते। सो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि मैं अच्छा बनाती हूँ, यार मैं सच में अच्छा बनाती हूँ। सो चलो मेरी खुद की बुराई कम करते हुए आगे करते वीडियो को। तो मैं जो टॉप प्रायोरिटीज दूंगी चीज़ों को वो होगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्दी बेसिक इंग्रेडिएंट्स, मिनिमम एफर्ट्स, बिगिनर फ्रेंडली एंड रिफ्रेशिंग टेस्ट। इनमें से जो मैं दो रेसिपीज बताऊंगी वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। जो फर्स्ट वाली अभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए ट्राई करने वाली हूँ, ट्राई ही बोल सकती हूँ क्योंकि वो मैंने पहले नहीं बनाई है, जो कि है मैंगो पैनकेक। पैनकेक मैंने बनाया है पर मैंगो पैनकेक कभी नहीं बनाया है। सो चलो आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ। मैंने अपनी चटाई बांध ली है वरना मम्मी विल बी लाइक बाल 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 बाल, इसलिए घर से ना निकलना हो तो किचन में जाने से पहले बाल ज़रूर से बांध लो। ओके, तो चलो देखो मैंने क्या ले लिया। यहाँ पर मैंने ले लिया व्हीट फ्लावर, ज़्यादा पास तो नहीं आ गई, मैंगो प्यूरी मिक्स कर दी है, ले लिया। पर ये है क्या, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, शक्कर, इसमें मिल्क भी यूज कर सकते हो, वाटर भी यूज कर सकते हो, जो यूज करना हो वो यूज कर सकते हैं। तो मैं मिल्क यूज कर लूँ क्या? छह इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे, व्हीट, मैंगो पल्प, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, शुगर एंड मिल्क। ओके, ऐसी कुछ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। हो रहा है लंच टाइम और लंच में बहुत अच्छी, मतलब ये मेरी सच में फेवरेट चीज है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और मैं इसको यू नो सुबह शाम रात ब्रेकफास्ट स्नैक्स कभी भी खा सकती हूँ और मैं खाती हूँ एक्चुअली। तो इसका नाम है रोटी पिज्ज़ा या रोटी चीज़, रोटी चीज़ा पिज्ज़ा, रोटी पिज्ज़ा चीज़, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये बनती कैसे मैं बताती हूँ। सॉस लगा के, दोनों चीज़ें लगा के, नमक मिर्ची, काली मिर्ची हो तो काली मिर्ची, हर्ब्स हो तो हर्ब्स, मतलब ऑरिगैनो वगैरह जो जो भी आपको वो सब डाल के और रोटी को पलट दो। एवरीथिंग इज रेडी। सो देखो मैंने टमाटर प्याज दोनों ले लिए, हरी मिर्ची को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, लाल मिर्ची को काउंट नहीं कर रही हूँ, नमक को काउंट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, छह चीज़ों में, एक दो, ठीक है। इसके बाद काली मिर्ची को अगर मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है मेरे जैसे तो काली मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं और लाल मिर्ची, नमक, मिक्स वेल। ऐसे कर करके अगर मैं रोज़ वीडियो बनाऊँगी तो मैं शेफ बन सकती हूँ क्या? कमेंट करके मुझे नीचे बताना। मैं डाल रही हूँ ये सॉस, और अब मैं डाल रही हूँ ये एक ऐसी रेसिपी है जो मैं किसी के भी साथ शेयर नहीं करती हूँ। मैंने मतलब गिनती के लोगों को बताया होगा इस रेसिपी के बारे में, दो चार लोग, एक नेहा है मेरी फ्रेंड उसको और दो चार लोगों को और शायद। इसके अलावा ये रेसिपी मतलब मैं किसी को भी नहीं बताती हूँ क्योंकि एक तरह से हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, सॉरी टेस्टी भी है। और आई नो जो लोग मुझे पागल समझते हैं कि इसको कुछ बनाते नहीं आता है, तो मैं उनको अपने आप को पागल ही समझने देना चाहती हूँ, मुझे पता है कि मेरे को कितना आता है कितना नहीं आता है। सो लेट्स टेस्ट, जल्दी से मिलती हूँ, ठीक है, खा के बाय। अभी 3:30 बजे, अभी मुझे भूख लग रही है,
नूडल्स खा लेना चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो नूडल्स। सर आप लोगों को नहीं पता हो मतलब कैसे बनते हैं, कई लोगों के घर नहीं बनते वो नूडल्स, तो छोटी सी एक मैं आपको लिंक दे दूंगी या फोटो बता दूंगी कैसा रहता है घर पे बनाने का। छोटी सी आती है बर्तन बाजार, जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे जहाँ बर्तन मिलते हैं वहाँ पर मिल जाती है, और ऐसे गोल 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 घुमाते तो बहुत सारी नूडल्स आ जाती है। या तो मैदे का आटा मस लेना थोड़ा कड़क मसना, और या तो गेहूं का आटा थोड़ा कड़क मस के निकाल के, और बहुत सारी सेवैया निकल जाएगी। मोटी लेना बस, सेवैया एक ही है बस और कुछ नहीं, पतली सेवैया मत बनाना नूडल्स के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे बनाते हैं। अभी मेरा चूहा भी सो रहा है, उसको इतनी नींद आती है दिन भर में, हाय राम कितना सोता है और रात भर जागता है क्या, मतलब कैसे चूहा है यार, रात भर जागता है दिन भर सोता रहता है, हमारे साथ खेलते ही नहीं, सिर्फ शाम को खेलता है और सुबह मतलब 9-10 बजे तक बस, उसके बाद नींद आने लगती है। चलो किचन में जा रही हूँ, मैं फटाक से बाल बांधती हूँ। सो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, टमाटर प्याज, सोया सॉस, टमाटो सॉस और मैगी मसाला, ये वाला भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा, कैसा भी चलेगा, और नूडल्स। ठीक है, ये है वीट वाले नूडल्स। ऑयल मैंने रख दिया था गरम होने के लिए, मैंने 4 चम्मच ऑयल डाला है इसमें। आवाज़ आ रही होगी चटचट चटचट की, क्या पता क्यों हो रहा है चटचट। ठीक है, सोया सॉस बिल्कुल देख के डालना, वरना काला पड़ जाते हैं नूडल्स। एंड नूडल्स एंजॉय कर रही हूँ। साथ साथ मैं 2 क्वेश्चंस के आंसर्स और दे देती हूँ जो कि हैशटैग क्वेश्चन करके मुझसे पूछे गए थे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दीप्ति तिवारी, विच इज माई फेवरेट कलर। मेरा फेवरेट कलर तो ऐसा कोई पर्टिकुलर एक नहीं है, जो ड्रेस मुझे अच्छी लग जाती है, मुझ पर सुंदर दिख रही है, वो मेरा फेवरेट कलर है। कई बार ब्लैक अच्छी लगती है, कई बार ब्लू अच्छी लगती है, कई बार ग्रीन अच्छी लगती है, कई बार लाइट ब्लू अच्छी लगती है, जो अच्छी लग रही है वो मेरा फेवरेट कलर। और सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम ईशा राज, वाई आई एम सो क्यूट। मुझे शर्म आ गई ईशा, मुझे नहीं लगता मैं क्यूट हूँ। ईशा इज सिस्टर ऑफ माय फ्रेंड, तो मुझे ऐसा लगता है वो मुझसे ज़्यादा क्यूट है। मैं उसकी फ़ोटो, अब मुझे नहीं पता वो अलाउ करेगी कि नहीं, बट अगर वो अलाउ कर देती है तो मैं उसकी फ़ोटो लगाऊंगी, बताऊंगी वो सच में क्यूट है। मैं उसके सामने, मुझे नहीं लगता मैं क्यूट हूँ, बट आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच ईशा। चलो मैं तब तक इन्जॉय करती हूँ, बाय। हाय, सो अभी 7:30 बज रही है और मुझे अब शाम का खाना खाना है, खाना खाना है, नाश्ता करना है, मुझे पता है उसे ही मेरा पेट भर जाएगा। सो मैं अभी पनीर के पॉपकॉर्न बनाने जा रही हूँ, पनीर की मिठाई जो कि बहुत इजीली बन जाती है, और पनीर पनीर का चीला। सो पनीर की जो ये सारी मतलब चीज़ें हैं वो फर्स्ट थिंग की बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है। थोड़ा सा मतलब पनीर पॉपकॉर्न में वैसे कॉर्नफ्लोर का यूज़ करा जाता है, पर मैं ग्राम फ्लोर का यूज़ करूँगी, और वही ग्राम फ्लोर में थोड़ा सा पनीर और डालकर मैं पनीर के चीले बना लूँगी। ठीक है, ठीक है, देखो ये पनीर है, इसमें मैं डाल रही हूँ ग्राम फ्लोर में नमक, काली मिर्ची, और हर्ब्स तो है नहीं मेरे पास तो मैं लाल मिर्ची डाल देती हूँ। जीरावन, ये मम्मी ने घर पे बनाया जीरावन। थोड़ा सा ही पानी डाल के पेस्ट बनाना, थिक बैटर बनाना इसका। पनीर लिया, पेस्ट में करा, एंड देन सेमोलिना में लाइक दिस पनीर है, दिख रहा है पनीर, इसमें जैगरी पाउडर मिक्स कर देते हैं। ये बन गई मेरी मिठाई। यार बात ऐसी है कि मैं ना थोड़ा थोड़ा अब इसलिए चीज़ों को यूज़ करने लगी हूँ क्योंकि मैंने पहले बहुत ज़्यादा बिगाड़ा कर चुकी हूँ। एक बार की बात बताती हूँ, एक बार क्या हुआ कि अच्छा मम्मा मेरी फ़ोन लेकर खड़ी है और इसके बाद मेरी बहुत पिटाई होगी। मैंने क्या करा था कि मेरे को पॉपकॉर्न खाने थे और मैंने पॉपकॉर्न खाने के लिए मतलब तलने के लिए रखे और मैं भूल गई, मतलब तेल रख दिया, पॉपकॉर्न रख दिया, कुकर ढक के रख दिया, और वो मैंने ऑफकोर्स बंद नहीं करा था, वो हाफ बंद था और मैं भूल गई, और
वो करीबन आधा घंटा चला, आधा घंटा गैस जली, और उसके बाद वो जो कुकर था वो पूरा तरह से काला पड़ चुका था। मतलब मेरे घर में धुआं हो रहा था, मुझे लग रहा था क्या पता है कौन से मंदिर से धुआं आ रहा है, इतना क्यों धुआं कर रहे, घर के अंदर तक धुआं आ रहा है। पर जब 5-10 मिनट बाद जब मैं उठी और मैंने देखा, ओ माय गॉड, ये तो गैस जल रही थी, मेरे ही घर में धुआं हो रहा है मेरे कारण। आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो, और अगर आप लोगों ने इंजॉय करा तो प्लीज से लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। रेसिपीज ऑफकोर्स हेल्दी रेसिपीज बताइए यार, इतना तो बनता है। सब्सक्राइब जरूर से कर देना चैनल को, क्योंकि मैं देख रही हूँ लोग आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हो चले जा रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करो, मेरे पास आ गई है जो जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उन लोगों की लिस्ट, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो बाय।